गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल आरपी पब्लिक स्कूल शहर में। और जैसा कि हम रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा सा वीडियोज आपको लेकर आते हैं, कुछ किताब पढ़ाते हैं, चैप्टर पढ़ाते हैं, तो आज हम आपको लेकर आए हैं क्लास थर्ड की इंग्लिश की बुक का बहुत ही सुंदर चैप्टर, जिसका नाम है टू बैगर्स। और ये जो टू बैगर्स जो कहानी है बच्चों, बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत ही अच्छा इसमें संदेश है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से दो जो बैगर हैं, भिखारी हैं, एक लंगड़ा है, एक उसमें अंधा होता है, किस तरह से जब इनके गांव में आग लग जाती है तो किस तरह से ये एक योजना बनाकर अपनी जीवन को बचाते हैं। बाकी सब गांव वाले जो होते हैं अपनी अफरा तफरी में रहते हैं, अपने अपने को देखते हैं, लेकिन इनकी तरफ कोई देखता नहीं है। तो ये आपस में जब मिल जाते हैं तो जो अंधा होता है वो कहता है वो लंगड़े व्यक्ति से कि भाई तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ और तुम मुझे रास्ता दिखाते रहना और मैं चलता रहूँगा, क्योंकि तुम चल नहीं सकते, मैं देख नहीं सकता, तो तुम मेरे ऊपर बैठ के रास्ता बताते रहना, इधर चलना उधर चलना, बाएं चलना दाएं चलना, मैं चलता रहूँगा, तुम भी बच जाओगे और मैं भी बच जाऊँगा। इस तरह से कहानी में इन दोनों ने अपनी बुद्धिमानी से किस तरह से अपने जीवन को बचाया। ये कहानी बहुत ही सुंदर कहानी है, हम आपको भी पढ़ना सिखाएंगे और इसके मीनिंग भी आपको बताएंगे, पढ़ना बताएंगे, याद कराएंगे आपके लिए। तो प्यारे बच्चों, आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा और ध्यान से इस वीडियो को देखिए, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना आ जाए। और प्यारे बच्चों, एक बार हम और कहना चाहेंगे आपसे, इस बार अगर आपको वीडियोज में कोई दिक्कत है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कुछ पढ़ना नहीं आता है, या कोई कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको बताइएगा कि हमें सर यहाँ पर ये बात सही से समझ में नहीं आई, या इसमें सुधार कीजिए। आपके सुझाव भी हमें कुछ कहीं ना कहीं प्रेरित करेंगे, जिससे हम और अच्छा आपको दे पाएँ। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करते हैं पढ़ने की श्रृंखला। चलिए अब हम आपको बुक पढ़ना सिखाते हैं, चैप्टर की कहानी एक एक लाइन एक एक शब्द की हिंदी बताते हुए आपको समझाते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं किताब, स्टार्ट। चलिए प्यारे बच्चों, अभी हम बता रहे थे आपके लिए कि किस तरह से ये जो चैप्टर है टू बैगर्स, किस तरह से इन दोनों ने अपनी समझदारी से, अपनी बुद्धिमानी से विकलांग होते हुए भी अपनी सुरक्षा की। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़वाते हैं चैप्टर और पढ़ाते हैं, समझाते हैं आपके लिए। ये बुक है अत्यंत सीरीज इंग्लिश रीडर क्लास थर्ड की। तो प्यारे बच्चों, हमने जैसे कभी बताया था आपको इन दोनों भिखारियों के बारे में, इनके गांव में एक बार आग लग जाती है, किस तरह से दोनों अपनी बुद्धिमानी से बचते हैं, ऐसे हमें अपनी बुद्धिमानी का परिचय देना चाहिए और अपनी बुद्धिमानी से अपने जीवन की सुरक्षा करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर पढ़ना। लेसन नंबर 3 और पार्ट का नाम है टू बैगर्स, यानी कि दो भिखारी। जैसे कि हम बताते हैं कि प्यारे बच्चों, कोई भी भाषा होती है, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, उर्दू, फारसी, कोई से भी हो, उसका शब्दकोश जब बढ़िया होता है तो हम उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हम आज भी इस चैप्टर के सबसे पहले आपको मीनिंग समझाएंगे, यानी कि जो शब्द अर्थ हैं वो समझाएंगे, जिससे आपको इसके जो हिंदी है जिसका जो अर्थ है वो आसानी समझ में आ जाए। तो पहले पढ़ लेते हैं बच्चों इसके मीनिंग। देखो बच्चों, लिखा हुआ है सबसे पहला ब्लाइंड, BLIND ब्लाइंड। देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है, कितनी अच्छी बुक है ये, इसका उच्चारण भी लिखा हुआ है और आप आराम से पढ़ सकते हैं और इसका अर्थ भी समझ सकते हैं। तो ब्लाइंड माने होता है बच्चों अंधा। फिर लिखा है लेम, LAME लेम। लेम मीन्स होता है लंगड़ा, यानी जिसका कोई पैर खराब हो उसको लंगड़ा कहते हैं। फिर है कॉट फायर, कॉट फायर, CAUGHT FIRE। कॉट माने पकड़ लिया, फायर माने आग, यानी कि आग लग गई, कॉट फायर का मतलब आग लग जाना, आग को पकड़ लेना। फिर है बैगेज, BAGGAGE बैगेज। बैगेज का मतलब होता है सामान, जो हमारे रहने का जो साथ सामान होता है, बिस्तर वगैरह जो भी होता है उसको हम बैगेज कहते हैं। फिर लगा बच्चों ट्रेवल, TROUBLE ट्रेवल। ट्रेवल माने संकट, ट्रैवल नहीं है, कुछ बच्चे ट्रैवल समझ लाते हैं यात्रा वाला, वो नहीं, उसकी स्पेलिंग अलग होती है, ये ट्रेवल है। ट्रेवल माने संकट या परेशानी। फिर लगा बच्चों शोल्डर, शोल्डर माने होता है कंधे, SHOULDER, शोल्डर्स माने होते हैं कंधे, जो हमारे कंधे होते हैं उसको हम शोल्डर कहते हैं इंग्लिश में। फिर है लेड, LED लेड। लेड माने होता है रास्ता दिखाया या ले गया, ले जाने भी होता है लेड माने, रास्ता दिखाना भी होता है। फिर है सेफ, SAFE सेफ। सेफ का मतलब होता है सुरक्षित, सेफ का मतलब बच्चों सुरक्षित। ये तो होगा इसकी मीनिंग। अब हमें उम्मीद है कि सारे बच्चे इसको घर पर पढ़ेंगे और इनको अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए अब हम आपको पढ़ाते हैं इस चैप्टर, इन दोनों बुद्धिमान लोगों की कहानी। कहने को तो ये भिखारी हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत बुद्धिमत्ता है और बड़ी बुद्धिमानी से ये किस तरह से बच जाते हैं आग लगे हुए गांव से। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, उंगली रख लेंगे सारे बच्चे। देखिए यहाँ देखिए लिखा है वंस देयर लिव्ड टू बैगर्स इन अ विलेज। वंस माने एक बार,
देर लिव्ड माने रहते थे, टू माने दो, बेगर्स माने भिखारी, इन माने में, और विलेज माने गांव। यानी कि एक बार एक गांव में दो भिखारी रहते थे। एक बार की बात है, गांव में दो भिखारी रहते थे। वन वाज ब्लाइंड एंड अदर वाज लेम। वन माने एक, वाज माने था, ब्लाइंड माने अंधा, एंड माने और, अदर माने दूसरा, वाज माने था, लेम माने अभी बताया था बच्चों लंगड़ा। उनमें एक अंधा था और दूसरा लंगड़ा वाज माने था। वन डे द विलेज कॉट फायर। वन डे माने एक दिन, द विलेज माने गांव में, कॉट फायर माने आग लग गई। अभी बताया था मीनिंग में कॉट फायर में आग लग जाना। एक दिन उस गांव में आग लग गई जहां ये दोनों, ये देखो चित्र देख रहा है, ये दोनों रहते थे, उनके गांव में आग लग गई। द विलेजर्स बिगेन टू रन अवे विद देयर बैगेज। द विलेजर्स माने गाँव वाले, बिगेन टू रन माने भागने लगे या भाग कर जाने लगे, विद माने के साथ या लेकर, देर माने अपने, बैगेज माने सामान। गांव वालों को जो भी सामान था घर में, बोरिया बिस्तर, उन सबको लेकर वहां से भागने लगे। ईच विलेजर वाज लुकिंग फॉर हिमसेल्फ। ईच माने प्रत्येक, विलेजर माने होता है गांव वाला। हर गांव वाला वाज लुकिंग माने देख रहा था, फॉर हरसेल अपने आप के लिए। हर गांव वालों को केवल अपनी परवाह थी, केवल अपनी सोच रहा था, वो किसी और की परवाह नहीं कर रहा था। यानी कि केवल अपने लिए देख रहा था, मैं कैसे बचूं। अगर है बच्चों, द विलेजर्स वर इन ग्रेट ट्रबल। द विलेजर्स माने गाँव, सॉरी, द बैगर्स वर इन ग्रेट ट्रबल। द बैगर्स माने वो भिखारी, वर माने थे, इन माने में, ग्रेट माने बहुत बड़ी, ट्रबल माने होती है संकट या मुसीबत। अब वो दोनों भिखारी जो थे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए, क्योंकि एक अंधा था, एक लंगड़ा। अंधा अंधे होने की वजह से नहीं भाग सकता, लंगड़े का पैर नहीं था तो ऐसे नहीं भाग सकता, दोनों बेचारे संकट में। अब देखो किस तरह से उन्होंने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। द ब्लाइंड हैड लेग्स बट नो आइज। द ब्लाइंड माने अंधे के हैड माने थी या रखता था, लेग्स माने पैर, अंधे के पैर थे, बट माने लेकिन, नो आइज आँखें नहीं थी। जो अंधा था उसके पैर तो थे लेकिन, नो माने कोई नहीं, आइज माने आँखें, लेकिन कोई आँखें नहीं थी। एंड माने और, द अदर हैड आइज बट नो लेग्स। जो दूसरा था हैड आइज की आँखें थी बट नो लेग्स, लेकिन उसके पैर नहीं थे। अब देखो प्यारे बच्चों किस तरह से उन्होंने अपना दिमाग लगाया। दोनों ने, एक की आंखें थीं लेकिन पैर नहीं थे, और दूसरे पैर थे लेकिन आंखें नहीं थीं। द ब्लाइंड कुड रन बट कुड नॉट सी। दो ब्लाइंड जो था यानी अंधा व्यक्ति जो था, कुड माने सकता था, रन माने दौड़ना या चलना। अंधा व्यक्ति चल तो सकता था, भाग तो सकता था, बट माने लेकिन, कुड नो सी। कुड माने सकता था, नो माने नहीं, सी माने देखना, लेकिन कुछ देख नहीं सकता था। अंधा आदमी चल तो सकता था लेकिन देख नहीं सकता था। द अदर कुड सी। और जो दूसरा था लंगड़ा, कुड माने सकता था, सी माने देखना, अदर माने दूसरा देख सकता था, बट कुड नो रन, बट माने लेकिन, कुड माने सकता था, नो माने नहीं, रन माने चलना या दौड़ना। जो दूसरा था वो चल देख सकता था लेकिन चल नहीं सकता था। यानी एक के आँखें थीं, एक के पैर थे, एक की आँखें नहीं थीं, एक के पैर नहीं थे। तो दोनों ने आपस में देखो किस तरह सलाह की होगी। द ब्लाइंड थ्रो ऑफ अ प्लान। द ब्लाइंड माने अंधे के, थ्रो माने आया, ऑफ अ प्लान माने एक प्लान, एक योजना। यानी अंधा जो था उसने एक प्लान बनाया, योजना बनाई अपने दिमाग में। ही आस्ट टू लेम टू राइड ऑन हिज शोल्डर्स। ही आस्ट, उसने कहा, टू लेम माने उस लंगड़े से, टू राइड माने चढ़ जाने के लिए, ऑन माने पर, हिज माने उसके, शोल्डर्स माने कंधे। यानी कि अंधे आदमी ने कहा भाई लंगड़े से कि तुम मेरे कंधे पे चढ़ जाओ। एंड शो हिम द वे। एंड शो और दिखाओ, यानी कि वो जो लंगड़ा था उसकी आँखें थी, उसने कहा तुम मेरे कंधे पे चढ़ जाओ, मैं चलूँगा, तुम मुझे रास्ता बताते रहना। एंड शो और दिखाओ, हिम माने उसे, द वे माने रास्ता। उसने, अंधे ने कहा लंगड़े से कि मेरे कंधे पे चढ़ जाओ और मुझे रास्ता दिखाते चलो। दे डिड शो। दे उन्होंने, डिड माने किया, सो माने ऐसा ही, उन्होंने ऐसा ही किया। द लेम लेड द वे एंड ब्लाइंड रीच द सेफ प्लेस। द लेम माने लंगड़े ने, लंगड़ा, लेड माने ले गया, देवे माने रास्ते पर, या लेड माने दिखाया, देवे माने रास्ता, एंड माने और, ब्लाइंड माने अंधा, रीच माने पहुंच गया, द सेफ माने सुरक्षित, इस प्लेस माने स्थान पर। यानी लंगड़े ने उसको रास्ता दिखाया, रास्ता बताया, और जो अंधा था रीच माने पहुंच गया, सेफ प्लेस माने सुरक्षित स्थान पर। इस तरह से वो दोनों ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। दस माने इस प्रकार, दे सेव्ड देयर लाइफ। दे माने उन्होंने, सेव्ड माने बचाया, देयर माने अपना, लाइफ माने जीवन। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन को बचा लिया।
अब प्यारे बच्चों, आपने देखा इस चैप्टर में कितनी अच्छी कहानी है, कितना अच्छा संदेश इस कहानी में इन अंधे और लंगड़े ने दिया है। चित्र देख रहे हैं आप, अंधा ये अंधे हैं, ये लंगड़े हैं, इनका पैर नहीं है, इनकी देखो आँखें नहीं हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें इससे सीख मिलती है कि किसी भी मुसीबत के समय हमें घबराना नहीं चाहिए और अपनी बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, उपाय सोचना चाहिए कि किस तरह से हम इस मुसीबत का सामना कर सकते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं। ये हमें समझना चाहिए, घबराहट में हमें कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है और बहुत ही अच्छी कहानी है। अब हम आपको थोड़ा होमवर्क देते हैं बच्चों, सारे बच्चे इसके जो वर्ड्स मीनिंग है जो हमने अभी पढ़ाए थे इधर पीछे पर पेज पर, उनको याद करेंगे और इस चैप्टर को बोल बोल के अपने घर पे, अपने बड़ों के सामने, मम्मी के पापा के सामने बोल बोल के पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कोई शब्द पढ़ना नहीं आता है, कोई दिक्कत है अंग्रेजी में, या जो हम पढ़ाते हैं उसमें कोई दिक्कत है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट में लिखकर जरूर हमें अवगत कराइएगा, बताइएगा कि सर हमें ये पढ़ना नहीं आया, यहाँ पर ये इसको क्या पढ़ते हैं, कि ONE को वन क्यों पढ़ते हैं, या जो भी आपकी दिक्कत है प्रोनाउंसिएशन में या बोलने में पढ़ने में, तो आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से और ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी आपको, आपको कितना ज्ञान प्राप्त हुआ, कैसा आपको वीडियो देखकर या पढ़कर लगा, इसके बारे में ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा बच्चों। और हमें उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया, आपको अच्छा लगा है, तो इसका फ़ायदा और बच्चों को मिले और लोगों को मिले, इसलिए आपसे हमारा कहना है, हमारा ये सजेशन है कि आप इस चैनल को RP पब्लिक स्कूल जोगीठा जो चैनल है उसको अपने इष्ट मित्रों, अपने रिश्तेदारों में ज़रूर पहुँचाइएगा, जिससे कि उनको भी ये फ़ायदा मिल सके। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। कल हम फिर अच्छी सी ऐसी वीडियो, अच्छी सी कहानी लेकर आपको आएंगे। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, नमस्कार।